स्टार्ट करें। एक्शन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आएं, और इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप सबके किचन में ही मौजूद हो। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें, तो हो जाएगा आपका काम और भी आसान। आज हम बनाएंगे चिकन क्रॉकेट्स। उसके लिए हम एक वोक में थोड़ा ऑयल ले लेंगे, 2 टीस्पून। साथ में हम 1 टेबलस्पून मक्खन भी डाल देंगे। हम इसमें एक बड़ी साइज़ का प्याज डालेंगे, इस तरह से बारीक चॉप करके। 2 मिनट तक प्याज को चलाते हुए पकाने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। 1 कप शिमला मिर्च यूज़ कर रहे हैं हम, 3 रंगों की। आप चाहें तो सिर्फ हरी वाली यूज़ करें। 3 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे बारीक कट करके। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम 1 टीस्पून भरकर यूज़ कर रहे हैं। फ्लेम को हमें हाई करना है और बस 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाना है, ताकि शिमला मिर्च भी पक जाए और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है हमने फ्लेम को हाई करके। फ्लेम को अभी लो करना है। हम इसमें 5 टेबलस्पून भरकर मैदा डाल देंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट भूनेंगे चलाते हुए। फ्लेम को मीडियम रखें, ज़्यादा हाई ना रखें, और इस तरह से चलाते रहें। 3 मिनट तक अच्छी तरह से हमने मैदे को भून लिया है, फ्लेम लो है। हम इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे, ये हम 3/4 कप यूज़ कर रहे हैं। हमने 250 ग्राम चिकन लेकर थोड़ा नमक डालकर बॉईल किया था, उसका जो स्टॉक है जिसे हम सूप भी कहते हैं वो हमने इसमें डाला है। 3/4 कप दूध भी डालेंगे, 1/2 कप भरकर। फ्लेम को हाई नहीं करना है, इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से चलाने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा हमने चिकन के स्टॉक में भी नमक डाला था बॉईल करते समय, इसीलिए कम नमक डालें। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, आप मिक्स्ड हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे स्किप कर दें। सारी चीज़ों को हमने लो फ्लेम करके अच्छी तरह से चलाते हुए पकाया 1 मिनट। हम इसमें चिकन डाल देंगे। हमने आपसे कहा है कि 250 ग्राम चिकन लेकर हमने थोड़ा नमक डालकर बॉईल किया और फिर बाद में श्रेड कर लिया। अगर आप कप से मेजर करें तो ये तकरीबन 2 कप भरकर चिकन होगी। थोड़ा हरा धनिया भी डालेंगे, आप चाहें तो इसमें हरी प्याज का जो ग्रीन हिस्सा है वो भी डाल सकते हैं बारीक कट करके। अच्छी तरह से मिला लेना है। नमक हमने थोड़ा कम डाला है क्योंकि स्टॉक में नमक है, और हम इसमें थोड़ी चीज़ भी डालेंगे, चीज़ में भी नमक होता है और मक्खन में भी था, तो ध्यान रखें नमक को कम रखें। फ्लेम को लो करके हम चलाते हुए इस तरह से बस 1 मिनट पका लेंगे, और इस तरह चलाते रहेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बस ये बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा बैटर, हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। Cooking with Benazir, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। चिकन का मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। हम इसमें 1/2 कप भरकर चीज़ डाल रहे हैं। यहाँ हम शेडर और मोजरेला दोनों मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं वो डालें, या तो चीज़ ना डालें तो भी बहुत अच्छे क्रॉकेट्स बन के तैयार हो जाएंगे। हम इसमें थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। ये पॉइंट पे कुटी हुई काली मिर्च डालने से क्रॉकेट्स का फ्लेवर अच्छा आता है। हम यहाँ पर तकरीबन 1/2 टीस्पून डालेंगे। आपके घर में अगर तेज़ कम खाते हैं, यानी कि तीखा कम खाते हैं, तो आप कम डालें या तो ना डालें। अच्छी तरह से हमने मिक्स किया है, हम इनके अब क्रॉकेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों को हमने ग्रीस किया है ऑयल से। क्रॉकेट्स की जो साइज़ है वो आप पर डिपेंड होती है, आप छोटे चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। इस तरह से पहले गोल करेंगे और बाद में हाथों के बीच में रख के इस तरह रोल करेंगे। क्रॉकेट्स बनाकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम सारे क्रॉकेट्स तैयार कर लेंगे। इतने बैटर में हमने 20 चिकन क्रॉकेट्स बनाकर तैयार किए हैं। हमने 1 अंडा ले लिया है। थोड़ा सा नमक डालकर अंडे को हमने बीट कर लिया है।
क्रॉकेट्स को पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर इन्हें ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। इसी तरह सारे क्रॉकेट्स बनाएंगे। ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है, हमारे क्रॉकेट्स में सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो आप हाई फ्लेम पर आराम से फ्राई कर सकते हैं इन्हें। बहुत अच्छी तरह ये फ्राई होके क्रिस्प हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम सिर्फ ये जानने के लिए बेताब हैं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं या इस रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक कढ़ाई में एक टेबलस्पून मक्खन डाल दिया है। आप चाहें तो मक्खन के बदले ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें एक टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा चॉप किया हुआ अदरक लहसुन मिलाएंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है, हमने एक मिनट पका लिया। हम इसमें अब प्याज डालेंगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया। साथ में दो से तीन हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे, छोटा छोटा हमने कट किया। मिर्चियाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। प्याज को हम एक से दो मिनट चलाते हुए पकाएंगे, तब तक जब तक ये अच्छी सी नरम नहीं हो जाती। एक मिनट हो चुके हैं, हम इसमें शिमला मिर्च डाल रहे हैं बारीक चॉप की हुई। ये हम एक छोटी साइज़ की यूज़ कर रहे हैं। शिमला मिर्च को भी प्याज के साथ हम चलाते हुए बस आधी से एक मिनट पकाएंगे, चलाते रहें इस तरह। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। प्याज और शिमला मिर्च ये दोनों भी बहुत अच्छी तरह नरम हो गए हैं, ब्राउन नहीं कर देना। हम इसमें एक कप भरकर पानी डालेंगे। 250 ml का कप है हमारा, 250 ml पानी डाल दिया हमने। साथ में नमक डालेंगे एक टीस्पून के करीब। फ्लेम को हमने हाई किया है। जब इसमें थोड़ा थोड़ा बॉईल आने लगेगा हम इसमें सूजी डालेंगे, बारीक वाली सूजी यूज़ की है हमने। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने दो बार में सूजी को डाल दिया और इस तरह चला रहे हैं। फ्लेम को ये पॉइंट पे हमने बिल्कुल लो कर दिया है, हाई नहीं करेंगे, और लो फ्लेम पर सूजी को पका के तैयार कर लेंगे। चलाते रहेंगे इस तरह। जितनी सूजी हमने इस्तेमाल करनी है उसका डबल क्वांटिटी में पानी लेना है, तो आप जिस किसी भी बोल से या कप से सूजी को मेजर करें उसी बोल से डबल क्वांटिटी में पानी ले लें। हमने तीन से चार मिनट तक बिल्कुल फ्लेम को लो रखा और इस तरह इसे चलाते हुए हमने अच्छी तरह पका लिया है। सूजी अच्छी तरह फूल भी गई है और पककर तैयार हो गई है, और आप देख सकते हैं किस तरह ये एक बॉल सा बन गया है। बस हमें इसी तरह इसे गाढ़ा कर लेना है, बिल्कुल आटे के डो की तरह। ये पोजीशन में जब ये आ जाए और पूरी तरह ड्राई हो जाए हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुकिंग विद बेनसीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। रख देंगे। मिक्सचर जो है उसे हमने ठंडा कर लिया। इसमें हम तीन बड़ी साइज के आलू डाल देंगे। बॉईल करके हमने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। हमने इसमें तकरीबन दो से तीन टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है। चिली फ्लेक्स डालेंगे, तकरीबन एक टीस्पून डाल देंगे। थोड़ा ओरिगैनो भी डालेंगे, जो एक इटालियन सीजनिंग है। मार्केट्स में ये आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो आप स्किप कर दें। ये भी हमने तकरीबन एक टीस्पून के आसपास डाल दिया। थोड़ी कुटी हुई काली मिर्ची डालेंगे जिससे फ्लेवर अच्छा आता है इसका, हाफ टी स्पून के करीब। हम इसमें चीज़ डालेंगे, ये तकरीबन तीन चौथाई कप के आसपास होगी। अगर वज़न से देखें तो 75 ग्राम चीज़ है। वैसे चीज़ की क्वांटिटी आप पर भी डिपेंड होती है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, और ज़्यादा चाहें तो इससे भी ज़्यादा डाल दें, और जो चीज़ पसंद करते हैं वो डालें। आप चाहें तो इसमें
मोज़रेला शेडर ये भी यूज़ कर सकते हैं, हमने प्रोसेस यूज़ की है। बहुत अच्छी तरह सब कुछ मिलाएंगे। हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हमारा बैटर इस तरह का है, बड़ी आसानी से हम इसके नगेट्स बना सकेंगे। हाथों को हमने हल्का सा ग्रीस कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा स्क्वायर शेप दे देंगे नगेट्स की तरह। इतने मिक्सचर में हमने 30 नगेट्स बना करके तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें ये पॉइंट पर भी आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। पहले फ्रीज़र में रख दें इसी तरह 3 से 4 घंटों के लिए। जब ये हार्ड हो जाएं तो बाद में आपकी मनचाहे ज़िपलॉक बैग में या कंटेनर्स में डालकर रख दें। 1 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होते। हमने इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 2 टेबलस्पून मैदा भी मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 पिंच के करीब नमक भी डालेंगे। पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। 1/2 कप से थोड़ा कम पानी डाला है इसमें। मान लीजिए हमने तकरीबन 100 ml के करीब पानी डाला है। इस तरह का पेस्ट बनाना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं और पतला भी नहीं। नगेट्स को पहले हमें इस स्लरी में डिप कर लेना है, फिर हम इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। बस ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरह सारे बना लेंगे। ऑयल को हमने मीडियम गर्म किया है। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर से हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।